जल्दी शूट करा फातिमा, मैंने करवाना फिर ऑक्सीज का। बड़े लोगों ने कहा था कि हमको दिखा दें कि इसमें क्या है। करीब भाई उनकी फैमिली आई है आपके लिए ब्राइड का केक। व्हाट करीब का वाव, अभी ये खोलू। सब हंस रहे हैं इस वक्त मेरे पे। वाह भाई वाह, ओह माय गॉड, यही लड्डू खाने लगे हैं चाचू। क्योंकि सूरज नहीं निकला आज, सिर्फ बादल छाए हुए हैं। और जैसे कि आपको पता है ये मैचेस का सीजन चल रहा है, कभी किस मैच में बारिश हो जाती है, स्पेशली जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो बारिश हो जाती है। तो आज भी कुछ यही सूरत हाल है कि जी आज नीचे मैच चल रहा है, अभी पता नहीं कोई देख रहा नहीं देख रहा। मैं तो खैर तैयार हो गई हूँ अपने ब्लॉग के लिए और अपना मुझे इस ड्रेस में शूट करना है। और ये देखो, ये एक रैंडम सा डॉगी आया है यहाँ हमारे घर के बाहर अभी। ओहो बेचारा अंदर घुस गया, अभी निकलेगा। खैर प्यारे मौसम में एंजॉय करते हुए मैं तो अपने घर की खिड़की पे एंजॉय करती हूँ, और बाकी का एंजॉय आप लोग मेरा व्लॉग देख के करते हो। मुझे पता है कि आप लोग किस तरह से एंजॉय करते हो। खैर अभी हम निकलते हैं, नीचे चलते हैं, अपना शूट वूट कराते हैं, क्योंकि आई थिंक नीचे फातिमा ने फोटोग्राफर टीम बुलाई हुई है। तो मैं कहा चलो लगते हाथों मेरा भी शूट हो जाता है। अभी लेट्स गो, होते हैं क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम पकड़ते हैं। और मुझे चाहिए उस शूट में किताब, और ये मेरी इतनी सारी किताबें हैं, लाइक इनमें से कोई एक चूज करना बड़ा मुश्किल है जो मेरे ड्रेस के साथ जा रही हो। जो आजकल मैं पढ़ रही हूँ वो ये पढ़ी हुई, ईगो इज एनिमी, ईगो एक दुश्मन है आपका। वैसे मैंने भी एक बुक निकाली थी यार, एक तो चीज निकाल के रख दो और उसके बाद आप भूल जाते हो, शायद मैंने बाहर रखा। जल्दी फातिमा फारिग हो, अब जो है वो हम बुक यहीं रखेंगे और हम बोलेंगे मम्मी। ओके ओके ओके, ना किसने बाहर मैच से गया, तुम यहाँ अकेली हो। वेयर इज मम्मा? मम्मी के कमरे में रहते हैं। मम्मी मम्मी मम्मी, मम्मा इतने कपड़े, ओ माय गॉड। मम्मा ने आज वार्डरोब ये देखे, मेरे अब्बा की सिर्फ ऑर्गेनाइज वार्डरोब है, बाकी सबकी हशरो बेहशर। ओए होए 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 होए, कचरा अल्लाह जी हुआ भाई यार। जल्दी शूट करा फातिमा, मैंने करवाना फिर। मैं भी खाऊंगी यही नाश्ता आज, मुझको भी। यहाँ पे खूब तैयारियां चल रही हैं, ऑन एंड ऑफ गाइस। जब तक नाश्ता बनता है मैं करवाने जा रही हूँ अपना शूट, लेट्स गो। तो गाइज मेरा शॉर्ट वर्ट हो गया था यहाँ पे, और अब मैं जा रही हूँ वापस किचन में, अब करते हैं थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता। मम्मी क्या बना रही है फिर फटाफट? ये लव तो जल भी गया साथ यार, ये क्या मतलब है फटा अकड़ा जला हुआ? मैं ऐसे लग रहा है ये पराठा मैंने बनाया कसम। फटा हुआ तुम ले ले। हाँ आज मुझे बिना फटे उसमें भी छोटे छोटे सुराख है, वो मुझे दे दे। सो गाइज मेरा शूट वूट हो गया था, नाश्ता वाश्ता भी मैंने कर लिया था, और मैंने चेंज करके अब मैं प्रॉपर अपने हुलिये में आ गई हूँ। और हम करते हैं अब होने लगा है प्रॉपर, मतलब हमारे ब्लॉग का आगाज। मेरी अब एक तो घर की सारा दिन बेल्स बजती रहती है, मेरी अम्मा सारा दिन बस किचन में होती है, सारा दिन किचन 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 और बस किचन। किचन के साथ हुआ, किचन के साथ निकाह हुआ है। ओहो हाँ, दिस इज द रीजन मैं किचन में क्यों नहीं जाती हूँ, वरना मेरा किचन के साथ भी निकाह हो जाएगा। नो 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 सॉरी, मेरे से फरीद से निकाह करना, किचन के साथ नहीं करना। खैर अब हम लोग जो है ना वो गाइज, मुझे पता है कि मैंने जो भी अभी आज ब्लॉग अपलोड हुआ है जो आप लोगों ने देख लिया हुआ है पिछले दिन, उसमें इन बॉक्सेस का बड़े लोगों ने कहा था कि हमको दिखा दें कि इसमें क्या है। तो आज मैं इसको ओपन करूंगी और चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बड़े तगड़े डब्बे हैं, ठीक है, बड़ा मजा आने वाला है। यस yes. बाकी मेरी बहनें अभी फिलहाल फातिमा शूट से होगी फारिग, और वो चेंज वेंज करके आई थी, डांस वास उसने किया थोड़ा सा, ये जरा उसका डांस, वो कैसे पागल हुई डांस देखे उसका। गाइस फातिमा पागल हो गई है। मैं क्या हुआ और घूमो अब ये नाच नूच के फ्रेश होके, फिर ये दो मिनट में लड़की अपने गेटअप बदलती है, अब उसके बैग में से नुक्स निकाल रही है और साथ में चीजें भी। तुम किधर जा रही हो फातिमा इतना तैयार होके? मेरे लिए भी कुछ लेना खाने को, कुछ भी अच्छा सा, सारा दिन आज तुम्हारी वजह से जाया हुआ है। मैंने ये डब्बे खोलने थे लेकिन तुम्हारा शूट ही नहीं मुक रहा था। गाइस मैं ना थक गई हूँ और मैं अब लगी हूँ थोड़ी देर के मेरे बाल छाल। शोर किस चीज का भाई? अरे भाई उनकी फैमिली आई है आपके लिए ब्राइड का केक। व्हाट? मुझे तो पता, मुझे लगा आपको पता होगा, आप तैयार भी नहीं हुई हो। नहीं मैं तो बहुत ही, मेरे तो बाल भी खुल गए यार। देखो टिड्डू भी आया हुआ है। हेलो बच्चे, हेलो बच्चे, आए बबलू, आया बबलू। ये इन सब ने अचानक से मिलके मुझे सरप्राइज दिया है, बता देता है।
गाइस मैंने ना आप सबसे मिल ली है और लेके ये सरप्राइज केक। ओए इकरीब का वाव, अभी ये खोलूं। अरे आप ना गलत किया आपने मेरे साथ, आपको एटलीस्ट मुझे मैसेज कर देते। मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे उन्होंने कहा कि उठो एकदम जाना है। एकदम जाना, कहते एकदम जाना। मैंने कहा क्यों जाना है? हां नहीं बस चलो 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 चलो, मेरा ब्राइडल शावर है, ठीक है? मुझे मेरा ब्राइडल शावर केक आया है। हाँ तो निकाह से पहले एक छोटा सा मतलब फैमिली यार करिए और मेरा हुलिया देखे, मुझे इन्फॉर्म करके। सिर्फ दूल्हा दुल्हन गंदे बने हुए, सब सही तैयार तो वो हो क्या है? और इसको भी पता था, ये मुझे अंदर आके गॉसिप कर रही है। ससुराल में जाए ना तो तैयार होगी कैसे? लेकिन जब ससुराल वाले आके आपको सरप्राइज दें और फिर बंदा ऐसे बस व्लॉगिंग कर रहा हो और पता ना हो क्या कह रही है। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, अरीब नहीं उपटन नहीं, अभी उपटन का दिन नहीं आया। ये देखो जरा मेरी एक बहन बेचारी सुगड़ काम आई है, लगी हुई है फटाफट फटाफट। पहले ही नहीं बताया? हाँ मुझे खुद नहीं पता था, सरप्राइज तो मुझे को खुद भी मिला है। समोसे वगैरह निकाल लेता है। कुछ बना लेता है। हमारे घर का जो सुगड़ बच्चा है ना, ये ये देखे हीरा मेरी सुगड़ बहन ने, देखे माशाल्लाह क्या टेबल लगाई है। हीरा तो मेरे साथ जाना पसंद, मैं टिफिन पैक करके भेजा करूंगी, फातिमा तुम्हारा टिफिन खा लिया करे। पुप्पो ना बने इधर, समझ आई? यहाँ बस कह के आ रहे हैं, कह के हंस लो हंस लो, सब सब हंस रहे हैं इस वक्त मेरे पे। कबूल है ना? हाँ जब बात पक्की हुई थी, हर चीज बताई थी हमने लड़के को, लड़की को। कि ब्राइड टू भी हमेशा क्यों होता है, ग्रूम टू भी क्यों नहीं होता? बता रही हूँ, ब्राइड के हाथ में खड़ा हुआ है, ये पहला मर्द है जो ना। हाँ ये बात है, देखो यही तो बात होती है। और अब देखा यही लड़का होगा जो बैठा होगा। चले गाइस अब हम जरा खाना शाना खा लें, बाकी फिर आपको शुगर मिला दिखाते हैं। अरीब साहब लगता है आप खुद लेकर आए और आपने खुद भी नहीं देखा किसमें क्या। मैं नहीं लाया, घर वाले लेके आए। हाँ घर वालों ने आपका नाम अंदर कोई नहीं लिखा, नहीं नहीं लिखा हुआ, अरीब आगे से आपका ही है। अब इसको ओपन करेंगे गाइस, काटे छाटेंगे फिर आपको दिखाएंगे, फिलहाल जरा अनबॉक्सिंग करेंगे। सबसे पहले रिबन खोलेंगे ऐसे। चले अब हम करने लगे अनबॉक्सिंग। अरीब आप ना हाथ लगाना, आप इसको खराब करोगे। ये देखो अनबॉक्सिंग हो गई। वाह भाई वाह। अच्छा यार ये डब्बा इतना चिपका के लाए हो अरीब आप, टेप लगी हुई है। देखा मैंने भी आखिर निकाल ही लिया, ये हिम्मत बस वाह, ये काम। अब हम काटेंगे अपना केक। गाइस मैं आपको अपने ना केक की जरा फुल लुक दिखा दूं, ठीक है? और ये मेरी बहने आके साइड पे, छोटू क्या पिलाना है? छोटू को कॉफी पीने का रिएक्शन है, अभी कॉफी पीते हैं। मम्मा अगर उसको कड़वा लगा ना रोएगा रोएगा। ओह माय गॉड, अरीब इसको बचपन से लगा दे, यही लड्डू खाने लगे हैं चाचू। अब पिएगा। हैप्पी ब्राइड, चलो क्लैपिंग करो क्लैपिंग करो क्लैपिंग। ये वाओ, नहीं जिसको पहली बाइट खिलाओगी उसकी हो जाएगी, फिर मुझे खिलाओ ना मेरी होने लगी। सबसे पहले मैं खिलाऊंगी जिनकी हुई हुई है। चलो अगली बार हिला किया गाइस। देखो असूलन तो बनते ही हीरा ही है ना, देखो। सो इकरा ब्राइड टू भी होने लगी है। अचानक से मुझे बताया होता तो मैं पिंक कलर की फ्रॉक पहन के। चलो वो शादी से पहले कर लेना, ठीक है? चलन जी पापा भी आ चुके हैं, जाते के टाइम। चलो बस ये जो बिल्ली बिल्ली है ना, ये अब जा रहा है। बाय 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 कर दो, जाए बाय बाय, अब जा रहे हैं छोड़ के। बाय बाय बाय, अच्छा ना जाओ छोड़ के। बाय गुड़िया बाय बाय गुड़िया बाय बाय। ओके जी बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। आपके कपड़े भी लेने जाने रही बस, कल निकाह की, कल चलते हैं, कल परसों निकलते हैं इंशाल्लाह। डन, शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, बिल्लू की भी लेते हैं। बाय बाय, जल्दी बाय करो, जल्दी बाय करो, बाय बाय करो, बाय बाय बाय। सो गाइस सब लोग जा चुके हैं और अब हमारा वक्त आता है इस केक को फ्रिज में रखने का। यार मैं यहाँ आई हूँ, ये वापस आ चुकी है जहाँ गई हुई थी, ठीक है? और ये मोहतरमा बदल शदल के कपड़े, मैं इमेजिन कर रही हूँ कि फातिमा का मेरी छोटी बहन होती तो तुम क्या करती? पानी ला के तो नूडल्स बना के दो। फातिमा मेरी तो छोटी है, अभी तुम्हारी जुबान काम और ये काम उसको बहुत अच्छा। पानी ला के
मोबाइल इनकी ना कोई लड़ाई बंद करवाई, दोनों लड़ती रहती है आपस में। हाँ जी, आप क्या लेके आई हो? जी मम्मा ने नेचुरल वाले में चोर आके भी यहाँ पे साथ में पानी पिलाओ मुझे। सुनने नहीं लगे बदतमीज। मैं ना आपको दिखाती हूँ, वहाँ मम्मा ने देखी नहीं है और यहाँ पटक पटक। हाँ ये आटा क्यों लगाया मम्मा कॉर्नर पे? ओ तो मैं उधर कमरे में मुझे आवाज आ रही पटक पटक पटक। गाइस पॉपकॉर्न बन रहे हैं हाथ से तैयार। ओए बन गए बन गए। ओए कितने मजे के बने मम्मा। ये अच्छा ट्रिक है यार। के बाद खालिस घर के, खालिस घर के मम्मा हमारे ऊपर तो आपने खाली नमक डाला। खाली नमक, सिर्फ नमक। आधी रात को ऐसे हमारे घर टाइम हो जाता है पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न खाने का। मूवी तो हमने से कोई इतनी ज्यादा नहीं देखता क्योंकि हमारे घर में तो मूवी देखे ना देखे मूवी वैसे चलती रहती है। ये कौन लेके आया मम्मा? ओ माय गॉड, ये फातिमा गई भी थी और इतनी सारा ये गंदला लेकर आई है मम्मा। ये इसके अंदर ये डाले ना, ये वाला कर खाते हैं। चाट मसाला कौन डालता है? अब मैंने खुद देखा, हमें नमक डाल के पहले दिया था, चाट वाला लेके। क्यों मम्मा ये खाना है ना, ये खाते हैं। पहले मैं चुबरा चाट नमक डालते हैं, सिंपल होता है ये चाट, चाट मसाले वाले मैं टेस्ट कर। ये मसाला है, ये पड़ मसाला थप्पड़। मम्मा क्या मुझे ये खाने दें? यार ये अम्मिया पापड़ भी नेचुरल बना के देती है अम्मियों का बस नहीं चलता। चीजों वाली दुकानों को आग लगा दे बंद कर, इतना सारा कुछ लेकर आई है वो सभी खाऊंगी। नहीं मैं चाट वाला नहीं खाना, वो ना गले को चुपता है आपका। जो चाट मसाला है ना, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड फॉर योर स्टमक। हाँ ये चाट मसाले मसूले कोई नहीं अच्छे होते। हाँ ये अच्छा होता है। गाइस हमने पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न तो खा रहे हैं लेकिन आप लोग सोचे होंगे पूरा दिन आज कहती थी ये डब्बे खोलूंगी डब्बे खोलूंगी डब्बे खोलूंगी डब्बे खोलूंगी। लेट डब्बे नहीं खुले आज क्योंकि हमारे घर अचानक से गेस्ट आ गए थे। मैंने नींदे शींदे आराम से पूरी की, सुकून से पूरी की, थोड़ा शुगर वगैरह लगाई। इतनी थक गई थी कि ये यार ये बड़ा टाइम टेकिंग है, मुझे पता है ना इतना खलारा डल जाना, उसके बाद फिर इसकी सफाई करना, इसको सेट करना, इटसेल्फ इज अ टास्क। सो आई वाज नॉट इन दैट मूड कि मैं इसको डाके सारा कुछ समेटा समेटी कर, तो इसीलिए मैंने इसको कल पे डाल दिया। सही है, तो कल आप लोगों को दिखाऊंगी कि इन मिस्ट्री बॉक्सेस में मैंने क्या क्या चीजें मंगवाई हैं। मैंने बहुत पैसे ज़ाया किए, मैं आपको बता दूंगी इसे कि मैंने बहुत पैसे ज़ाया किए शॉपिंग में। अभी खैर चलते हैं ऊपर और आराम से जाके मैं सो जाऊंगी, रेस्ट करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और अचानक वाला सरप्राइज भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह आप लोग से मेरी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।